जनपद सहारनपुर के गांव रादौर में पुलिस ने ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर सफाई अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के आदेश अनुसार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाँव में सफाई अभियान चलाकर लोगों को एक संदेश देने का कार्य किया गया। तीसरा थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम ने समस्त स्टाफ के साथ गाँव की गंदगी साफ की। उसके उपरांत आर्य वैदिक इंटर कॉलेज रादौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन प्रधानाचार्य राजकुमार ने किया। इस अवसर पर तीसरो थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम ने अपने संबोधन में सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागृत किया, साथ ही पॉलिथीन इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने तन और कपड़ों की सफाई रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी साफ रखना चाहिए। उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को स्वस्थ रहने के अनेक टिप्स दिए। इस दौरान गीता विद्या मंदिर के मास्टर विजयपाल सिंह ने उनके पूरे स्कूल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है कि स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने महात्मा गांधी जी की जयंती पर ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि हम सभी अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे ताकि हमारे आसपास बीमारियां ना पनप सकें। और वो अभियान प्रतिवर्ष हम मनाते भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सफाई अभियान करते हैं, हमारे आसपास का वातावरण, अपने विद्यालय का, घर का, सब कुछ स्वच्छ रखते हैं। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि इसी शुभ अवसर पर आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के थाना तीतरों के थाना अध्यक्ष जो एक कार्यकुशल और कर्मठ भी हैं मुकेश कुमार जी गौतम, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। ये दिन आलस्य रहता है, होता है? हाँ जी। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक दिनचर्या बनाना बहुत आवश्यक है। दिनचर्या में पहले तो हम अपनी दिनचर्या बनाएं। प्रातः काल सूर्योदय से पहले जगें। विद्यार्थी जीवन में तो हम तो 4 बजे जगते थे, लेकिन 5 बजे जरूर जग जाना चाहिए। मैं कितने बजे भी आऊं, आज 4 बजे भी आऊं, ड्यूटी से 3 बजे आऊं, 2 बजे आऊं, लेकिन मैं 5 बजे जगता हूं। अगर आप 5 बजे जगेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस समय आप अपने सारे नित्य कर्म करेंगे, हल्का व्यायाम करेंगे, जिससे जिस शरीर से 24 घंटे आपको काम लेना है वो स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जब स्कूल आएंगे तो मन प्रफुल्लित होगा और आपका पढ़ाई में ध्यान रहेगा, अन्य बातों में नहीं होगा। तो इस प्रकार की आप दिनचर्या बनाए तो आप ज्ञानार्जन भी उसी प्रकार उसी स्तर से कर पाएंगे। आप जो लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं उसके प्रति अग्रसर होने में भी स्वच्छता का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद सब कुछ चाहिए। तो वो स्वच्छता से मैंने बताया कि शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ मन स्वस्थ, मन स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ, तो ये पैदा होगा।